वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं माई 24 सुवी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड दो पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उनके लिए, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे बहुत सारे पिछले वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड सर डाउनलोड तो हुआ लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तो इस कंडीशन में आपको मैं बता देता हूँ कि जब नोटिफिकेशन निकला था तो उस वहाँ पे दिया गया था कि यदि प्रवेश पत्र में जो है फ़ोटो अस्पष्ट नहीं है, यानी आपका फ़ोटो नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दो फोटोग्राफ्स लेके जाना, जो कि आप जब फॉर्म फिल किए होंगे ना वो फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड आपको, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये आपको लेके जाना अपना परीक्षा सेंटर में, वहाँ पे आपको परीक्षा देने दे दिया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन पहला हो गया जिनका भी फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है। और मैं बता देता हूँ, वेबसाइट के कारण भी फ़ोटो इस तरह से डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप ऐसा करो ना कि दो से तीन बार डाउनलोड करके देखो, किसी में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप किसी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ, लेकिन फ़ोटो वो दोनों लेके ही जाना। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया था वहाँ नोटिफिकेशन में, कि विशेष परिस्थिति में अगर वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, जैसे कि आप अंतिम समय में डाउनलोड करते हो या फिर अंतिम समय में फॉर्म भरते हो तो देखते हो ना कि फॉर्म फिल नहीं होता है, किसी किसी का पेमेंट रुक गया था, तो उस कंडीशन में अगर आप क्या बोलते हो उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उस परिस्थिति में जो आपका चयन परिषद है बिहार पुलिस का, एक व्यवस्था रखा गया है, वहाँ पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो 22 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में, ठीक है। तो 22 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में समय आपको दिया जाता है, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो 22 और 23 एक दिन दिया गया है आपको समय, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर जो है आपका डुप्लीकेट प्रवेश पत्र यानी कि डुप्लीकेट एडमिट कार्ड की व्यवस्था की गई है, जो कि आपके कुछ खर्च लगेंगे, कुछ पैसे लगेंगे वहाँ पे, और आपको फिर वहाँ पे डुप्लीकेट जो है एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिनका बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो सोच रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चे वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट में नाम नहीं है, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो ये इसके लिए एक ये व्यवस्था किया गया, ठीक है। और एड्रेस आप लोगों ने पूछ रहा था कि एड्रेस कहाँ पर है, तो देखो केंद्र चयन परिषद जो है सिपाही भर्ती के बैक हॉर्डिंग रोड में सचिवालय हॉल्ट के निकट, आप पूछोगे ना कि चयन परिषद जो है बिहार पुलिस का वो कहाँ है, वहाँ पे बता देगा, किसी भी ऑटो वाले से या फिर किसी भी दुकान वाले से पूछोगे तो आपको बता देगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो में टोटली आप लोगों को बता देता हूँ। तो आई होप दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, और कुछ भी कमेंट हो तो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।